आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एलिमिनेटर मुकाबले में नवीन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट लेते हुए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी टीम को मैच जिता नहीं पाए। मुंबई ने एलिमिनेटर मुकाबला जीत लिया और इसके साथ ही लखनऊ का आईपीएल 2023 में सफर समाप्त हो गया। नवीन ने एलिमिनेटर जैसे अहम मुकाबले में इतना शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को ट्रोल होने से नहीं बचा सके। तमाम क्रिकेट फैंस जहां नवीन को ट्रोल कर रहे थे, वहीं मुंबई इंडियंस के भी 3 खिलाड़ियों ने नवीन को ट्रोल कर दिया। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज संदीप वारियर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और अपने इसी पोस्ट के साथ उन्होंने नवीन को तगड़े तरीके से ट्रोल कर दिया। हालांकि बाद में वारियर ने अपनी उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन वारियर जब तक अपनी पोस्ट को डिलीट करते तब तक उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से वायरल हो चुका था। दरअसल वारियर ने मैच खत्म होने के बाद एक इंस्टा पोस्ट डाली। उस पोस्ट में उनके साथ कुमार कार्तिकेय और विष्णु विनोद भी दिखाई दे रहे थे। वारियर द्वारा किए गए पोस्ट में उनके सामने टेबल पर आम रखे हुए थे। वारियर ने अपनी आंख बंद की हुई थी तो वहीं कुमार कार्तिकेय ने मुंह और विष्णु विनोद ने अपने कान बंद किए हुए थे। कुल मिलाकर ये तीनों गांधी जी के 3 बंदर को पोर्ट्रे कर रहे थे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने नवीन उल हक के उन सेलिब्रेशंस को भी कॉपी किया जो नवीन ने एलिमिनेटर के दौरान विकेट लेने के बाद किए थे। इस पोस्ट को काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। हालांकि बाद में वारियर ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। नवीन के साथ आम का ये किस्सा उनके द्वारा ही शुरू किया गया था। दरअसल मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच के दौरान नवीन ने आम की फ़ोटो शेयर की थी और उन्होंने लिखा था कि वो मीठे आम खा रहे हैं। इसको फैंस ने इस तरीके से लिया था कि नवीन आरसीबी और विराट कोहली का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बाद से जब जब नवीन के साथ कुछ भी खराब हुआ, जब जब नवीन की पिटाई हुई या ऐसे भी जब जब नवीन खेलने उतरे, तो क्रिकेट फैंस ने मैंगो की फ़ोटो शेयर की और लगातार उनको ट्रोल किया। विराट कोहली के साथ झगड़े के बाद से नवीन लगातार सोशल मीडिया पर कई तरीके की पोस्ट करते रहे थे। उन्होंने कई बार ऐसी चीज़ें लगाई जिसे देखकर फैंस ने ये साफ साफ अंदाज़ा लगाया कि वो कहीं ना कहीं विराट कोहली या फिर आरसीबी के मज़े ले रहे हैं। लेकिन इस बीच में शायद नवीन इस चीज़ को नहीं ध्यान रख पाए कि जिस दिन उनकी टीम भी हारेगी या जिस दिन उनकी टीम बाहर होगी तो फैंस सूद समेत इसका बदला उनसे चुकाएंगे। और ऐसा हुआ भी। यहाँ तक कि स्विगी और जोमेटो जैसी फूड कंपनियाँ, फूड डिलीवरी जो कंपनीज हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लगातार नवीन उल हक के मज़े लिए हैं और लगभग पिछले 15 दिनों से ये मैंगो का ट्रेंड लगातार चलता आ रहा है। कुछ भी होता है तो लोग मैंगो की फ़ोटो शेयर करते हैं और नवीन उल हक को उन्हीं के अंदाज में ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस मामले पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। स्पोर्ट्स से जुड़ी हर तरीके की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।